खबर राजधानी देहरादून से है, जहां विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा में लोगों की परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका और एसएसपी अजय सिंह ने चार धाम यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चार धाम यात्रा मार्ग पर यात्रियों के रुकने, उनके वाहनों की पार्किंग और अन्य बुनियादी व्यवस्थाओं का उपस्थित अधिकारियों के साथ जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने धाम की व्यवस्थाओं की और बेहतर करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया। इसी क्रम में एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि चार धाम यात्रा में नियुक्त अधिकारियों को पूर्व निर्धारित संख्या में ही श्रद्धालुओं को यात्रा में आगे भेजने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे आगे मार्गों पर यात्रियों को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, चार धाम यात्रा का जो एक तरह से देखेंगे कि स्टॉपेज डेस्टिनेशन है देहरादून, वो भी ऋषिकेश है और एक जो विकास नगर है जहाँ पर हमारे तीर्थयात्री जाते हैं गंगोत्री यमुनोत्री। बहुत सारे तीर्थयात्री ऐसे भी हैं जो विदाउट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर, जिनको जानकारी नहीं थी, वो यहाँ पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उनको होल्ड करके उनका रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत उनको भेजा जाता है। बाकी जब इतनी बड़ी संख्या में जब यात्रीगण यहाँ पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोकल यात्री हैं डायवर्जन में उनको असुविधा होती है, इसलिए समस्त को ब्रीफ किया गया कि जो हमारे लोकल वाहन है या जो लोकल लोग यहाँ रहते हैं उनको उस डायवर्जन से मुक्त रखा जाए और जो बाहरी गाड़ियां हैं जिनको हम डायवर्जन प्लान में जो हम अपने रखते हैं जिससे कि वो अपने गंतव्य को चले जाए तो उसको ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। इस संबंध में थोड़ी बहुत अभी शिकायत प्राप्त हुई थी कि कहीं लोकल लोग को डायवर्जन में असुविधा हो रही है, इसलिए जो जहां से हमारे डायवर्जन पॉइंट है वहां पर फिर से पुनः ब्रीफ कर दिया गया है कि लोकल लोग को जो उनके मुख्य मार्ग है उसे जाने दिया जाए और डायवर्जन जो हमारा रूट है उसको 100% पालन किया जाए।